दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोजकर महामारी पर कब जीत हासिल करेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि दवाइयों के कॉकटेल से संक्रमित मरीजों को 100% ठीक करने का रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने से यहां रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां अब लगातार कोशिश की जा रही है कि संख्या पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में अब ये कोशिशें और भी तेज हो रही हैं। इस दौरान दून मेडिकल की टीम ने दावा किया है कि कई दवाइयों और उपचार के तरीकों से उन्होंने न केवल कोरोना मरीजों को 100% ठीक करने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि संक्रमित मरीजों को 10 से 12 दिनों के अंदर ठीक होकर डिस्चार्ज भी किया है। जो ट्रीटमेंट है जो यहां हमारे यहां अवेलेबल है उनमें से हमने कुछ चीजें पिक की और जो इजीली अवेलेबल हम तीनों को इनको कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल बनाया, उसमें जो इजीली अवेलेबल हो, लेस टॉक्सिक हो पेशेंट के लिए और जिसके रिजल्ट जहाँ पे बाहर है, इंडिया के बाहर है, इंडिया के दूसरी स्टेट में बेहतर हो, उनको हमने इंक्लूड करके एक रिजीम बनाया 4 से 5 ड्रग का। उसको हर हम पॉजिटिव पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं। कुछ ड्रग्स हमने रिजर्व में रखी हैं जो कि मॉडरेट या सीवियर पेशेंट केसेज में आते हैं, जैसे कि जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या वेंटिलेटर, उनके लिए रिजर्व ड्रग्स रखी हुई है कि उन जरूरत पड़ेगी तो उनमें हम वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। मोर देन 90% केसेज हैं जो सिंपल जो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन हमारा है 4 से 5 है, उसमें बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज का कहना है कि अब तक तकरीबन 25 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दवाइयों का ये कॉकटेल इस तरह से तैयार किया गया है जिससे मरीज को वायरस से लड़ने की ताकत मिले और जल्द से जल्द मरीज को ठीक किया जा सके। तो इस तरह से हमने 4-5 दवाई का कॉकटेल रेजिमेन एक बनाया है और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमारे मरीजों में आया है। कोई भी मरीज किसी गहन कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया है और अभी तक पुरानी लॉट से 25 मरीज हमारे ठीक होकर जा चुके हैं। बता दें कि जो दवाइयों का कॉकटेल मरीजों को दिया जा रहा है उसमें टैबलेट HCQ है। ये दवाई मलेरिया और जोड़ों की बीमारी के लिए दी जाती है। यहाँ इसका प्रयोग मरीज को कोरोना से गंभीर स्थिति में जाने से बचाने के लिए किया गया है। एवरमेक्टिन, ये दवाई आमतौर पर पेट के कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ इसे वायरल लोड को कम करने के लिए दिया जा रहा है। एनजीथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक दवा है और दूसरी दवाओं के साथ ये वायरल लोड को कम करने में प्रभावी हो रही है। विटामिन सी और जिंक एंटीऑक्सीडेंट्स का मरीजों पर बेहतर असर हो रहा है और ये वायरल लोड को कम करती है। रिटोनावीर एंड लोपिनावीर, ये भी एंटीवायरल दवा है जिसे महज गंभीर स्थिति में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दवा एक तय मात्रा और एक अंतराल में दी जाती है, साथ ही शारीरिक बदलाव के साथ बदली भी जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इन दवाओं को किसी को भी बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेना चाहिए। वहीं दवाओं के इस कॉकटेल के साथ ही दूसरी चीजों को भी साथ में जोड़ा है, जैसे मरीजों को स्टीम देना, पीने के लिए गर्म पानी देना, यहाँ तक कि उन्हें योग कराना भी, यानी कि मरीजों की 100% ठीक करने की हर कोशिश की जा रही है। देहरादून से सौरभ भाटिया, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।